होली पर हर साल शासन प्रशासन और समाज के बड़े बुजुर्गों की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, लेकिन हर बार लापरवाही के ऐसे उदाहरण सामने आ ही जाते हैं जिनकी वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा ही खतरनाक ढंग से होली मनाने का एक मामला इस बार यूपी के बागपत से सामने आया है, जहां पानी से भरा गुब्बारा फेंकते ही ऑटो पलट गया और उसमें सवार लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पलट गया। दरअसल वीडियो में एक ऑटो चलते चलते तब पलटते दिख रहा है जब उस पर पानी से भरा गुब्बारा फेंका गया। ऑटो में कई लोग सवार थे, ऑटो पलटते ही उसमें सवार लोग घायल हो गए। ये पूरा मामला बागपत के दिल्ली सहारनपुर हाईवे का है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक सड़क किनारे होली खेल रहे थे, इसी दौरान लोगों का कहना है कि अचानक गुब्बारा मारे जाने से ऑटो अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। ऑटो पलटते ही उसमें सवार लोग घायल हो गए। गनीमत की बात ये रही कि दुर्घटना के वक्त पीछे से कोई बड़ा वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वहीं बागपत पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की और बताया कि इस घटना में ऑटो सवार दो व्यक्तियों को हल्की चोटें आई हैं और मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।